हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जबोर एंडी मदर टिंचर के बारे में, जिसको पिलोकार्पस माइक्रोफिलस भी कहते हैं, जो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, एक हर्ब होती है जो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है लेकिन बालों की समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बालों की कौन कौन सी समस्याओं में आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, साथ ही साथ इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं जबोर एंडी मदर टिंचर के बारे में। जबोर एंडी एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जैसे मैंने पहले बताया, इसको पिलोकार्पस माइक्रोफिलस भी कहते हैं और इसकी फैमिली होती है रूटेसी। बहुत ही यूजफुल होती है, एक हर्ब होती है जो कि बहुत सारे और काम भी करती है, एज ए डायफोरेटिक बहुत अच्छा काम करती है, आइज़ के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। लेकिन ये दवा जो होती है ज़्यादातर हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज की जाती है। होम्योपैथी में भी हेयर्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिफरेंट ब्रांड्स के आपको जबोर एंडी हेयर ऑयल्स मिल जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा यूज करें, किसके फ़ायदे अच्छे होते हैं। आज मैं आपको जबोर एंडी का मदर टिंचर बताऊँगी कि जितने भी हेयर ऑयल्स होते हैं उसमें मदर टिंचर ही इंक्लूडेड होता है। तो आप मदर टिंचर को कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, चाहे एक जनरल हेयर लॉस हो, मतलब आपको नॉर्मली हेयर लॉस हो रहा है, कहीं से भी बाल गिर रहे हैं, या फिर आपको पैची हेयर लॉस हो, जगह जगह से आपको छोटे छोटे पैचेज आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, या फिर मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस हो कि आपके यहाँ साइड से बाल कम होने लग गए हों, तो इन सारे केसेस में ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको हेयर लॉस ऐसा हो रहा है कि जैसे वेदर चेंजेस के टाइम पे हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें भी ये दवा अच्छा काम करती है। हेयर लॉस के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है स्कैल्प पे, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी इस दवा को आप यूज कर सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जो हेयर्स हैं बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थिनिंग होनी स्टार्ट हो गई है, बाल जो हैं बहुत पतले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, थोड़ा सा भी छूने से ऐसे निकल जाते हैं, तो उन केसेस में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करती है और आपकी जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक ठीक करती है। साथ ही साथ अगर आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, ब्रिटल हो गए हैं, लस्टरलेस हो गए हैं, उनमें कोई भी चमक नहीं रह गई है, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये दवा उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपके जो हेयर्स हैं वो प्रीमैच्योरली ग्रे होने लगे हैं, चाहे आपकी एज बहुत कम है, आप अभी टीन एज में हैं, या फिर आपकी एज अभी 20s 30s में है और इतने कम एज में ही आपके बाल जो है वाइट होने लगे हैं, ग्रे होने लगे हैं, सफ़ेद होने लगे हैं, तो उन केसेस में ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो अगर आपको हेयर से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स है, आपके हेयर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, आपको पैची हेयर लॉस हो रहा है, तो इन सारे केसेस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे, आपके हेयर की वॉल्यूम के हिसाब से आप इसको 10 से लेकर 20 ड्रॉप तक लेकर स्कैल्प पे अच्छे से 4 से 5 मिनट मसाज कर सकते हैं और ओवरनाइट रख सकते हैं, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी हेयर ऑयल में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा हेयर ऑयल लीजिएगा जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल ले सकते हैं आप, जैसे कि कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सरसों का तेल यूज करते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा महक नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा कोई ऑयल लीजिए जो मेडिकेटेड ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा महक ना हो, आप उसमें जबोर एंडी मदर टिंचर मिक्स कीजिए और उस ऑयल को आप हफ्ते में 3 से 4 बार लगाइए। आपको ये जो फार्मूलेशन है इसको यूज करना है कम से कम 3-4 महीने तक, तब आपको अच्छे विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हेयर के केसेस में इतनी जल्दी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है।
अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो SBL कंपनी का जो 30 ml का पैक आता है वो आपको अराउंड 135-140 मिलता है, और जो रेगबेथ का आता है, जो जर्मन कंपनी का आता है, वो 20 ml का जो पैक होता है वो 255-260 अराउंड मिलता है। तो आपको किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक स्टोर पे बहुत ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो हो रही है तो आप इसको यूज कीजिएगा। अगर आपको नॉर्मली हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, नॉर्मली भी आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बालों में चमक बढ़ेगी, आपके बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्दी हो जाएंगे। नॉर्मल एज अ हेयर ऑयल भी आप इसको यूज कर सकते हैं डेली रूटीन में, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हेयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जबोरंडी के बारे में मेरी बताई हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।